हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम नाउन की एक कंटिन्यू वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। और इससे पहले मैं नाउन की तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उन तीन वीडियोस में मैंने आपको नाउन का बेसिक, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, अलग अलग ट्रेडिशनल टाइप्स और मॉडर्न कॉन्सेप्ट तरीके से मैंने आपको बताया था। उन तीनों वीडियोज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी आगे हम चलते हैं पर्टिकुलर एक एक टाइप को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाउन, नाउन क्या होती है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सभी वो नेमिंग वर्ड्स जिनकी कुछ आइडेंटिटी हो, पहचान हो, है ना, वो सभी नेमिंग वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपसे पहला टाइप डिस्कस किया था, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस, यानी किसी एक चीज से किसी एक की पहचान हो। जैसे मैंने अगर इसका नाम बोला कैमलिन, कैमलिन, तो कैमलिन से इस मार्कर की पहचान है। कैमलिन नाम का और कुछ नहीं है, कैमलिन से इस मार्कर की पहचान है। अगर मैं बोलूं मार्कर, तो मार्कर तो कैमलिन का भी है, मार्कर तो और भी है। तो अगर बात समझो मेरी, मैंने बोला डॉग, तो क्या डॉग किसी एक की पहचान है? अलग अलग ब्रीड के डॉग भी आ सकते हैं, अलग अलग कलर के डॉग भी आ सकते हैं। यानी डॉग का मतलब हो गया, मैं इस एक नाउन से कम मिनिमम बता रहा हूं आपको, जैसे हजारों लोगों को डिनोट करूं, इस एक नाम से मैं हजारों को डिनोट करूं, तो ये हो गई कॉमन नाउन। ये क्या हो गई? कॉमन नाउन, है ना। अब समझिए, अगर मैं जिस डॉग का नाम बोल दूं, अभी डॉग का नाम बोल दूं, जैसे मैंने बोल दिया टॉमी, क्या बोल दिया? टॉमी। तो ये टॉमी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कुत्ते का नाम है, एक पर्टिकुलर डॉग का नाम है, तो इसलिए इस टॉमी को बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। समझिए, अब जैसे मैंने बोला कंट्री, क्या बोला? कंट्री, है ना। तो कंट्री किसी देश का नाम है। इस कंट्री में आप इंडिया, यूएसए, रसिया, आप इन सभी को ले सकते हैं इस कंट्री के नेम में। लेकिन ये तो हुआ, अब कंट्री वर्ड मैं आपसे बोलूं कंट्री, तो कंट्री में तो हजारों कंट्री आ जाएंगी। लेकिन अगर कंट्री का मैंने पर्टिकुलर नेम दे दिया, लाइक इंडिया, यूएसए, रसिया, तो ये आएगी प्रॉपर नाउन में। किसमें आएगी? प्रॉपर नाउन में। समझिए, है ना, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे बोला कि पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। यानी किसी व्यक्ति, जैसे मैं, मेरा पर्टिकुलर नेम है पीयूष, है ना। अगर किसी वस्तु, जैसे ये, इसका पर्टिकुलर नेम है कैमलिन। किसी स्थान, जैसे मैं रहता हूं अंबा डिस्ट्रिक्ट मुरैना, तो ये पर्टिकुलर नेम है इस जगह का, है ना। मेरी कंट्री का पर्टिकुलर नेम है इंडिया। तो ये पर्टिकुलर नेम अगर किसी का होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी और दूं, तो समझिए, जो प्रॉपर नाउन होती है, ऑलवेज शुड बी इन कैपिटल लेटर। ये प्रॉपर नाउन हमेशा, ऑलवेज शुड बी, होनी चाहिए इन अपर केस, इन अपर केस। अपर केस बोले तो कैपिटल लेटर, अपर केस बोले तो कैपिटल लेटर। यानी हमेशा प्रॉपर नाउन जो होंगी वो अपर केस में होंगी। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? तो समझिए, कोई लड़की है, वो अपनी मां से बोलती है कि मां, आई मेट, मैं मिली रैम टुडे, सॉरी यस्टरडे। एक लड़की ने अपनी मां से बोला कि मां, कल राम से मिली। क्या ये राम है? लिखा तो आर ए एम है, लेकिन मैं इसको रैम भी पढ़ सकता हूं। रैम भेड़ का बच्चा होता है, कि मैं भेड़ के बच्चे से मिली। ये पर्टिकुलर नाम राम कब बनेगा? जब इसका आर कैपिटल बन जाए, अब ये बनेगा राम। अब ये हुआ प्रॉपर नाउन। इसीलिए, क्योंकि इनकी आइडेंटिफिकेशन अलग होती है। अब नाम तो अपन कुछ भी रख सकते हैं, गुन्नू, चुन्नू, मुन्नू, है ना। तो नाउन की उस नाम की पहचान के लिए कि ये प्रॉपर नाउन है, उस, अब जैसे गुन्नू है, अब गुन्नू कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने जी कैपिटल बनाया तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये जी जो है
कैपिटल है, यानी ये कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। यानी प्रॉपर नाउन ऑलवेज शुड बी इन अपर केस, यानी ऑलवेज शुड बी इन कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन आपकी हमेशा कैपिटल लेटर में होती है, इस चीज को ध्यान रखिए। और दूसरा पॉइंट प्रॉपर नाउन के लिए, वो दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे प्रॉपर नाउन मैंने लिखी राम, श्याम, दिल्ली, अमेरिका एटसेट्रा, मैंने ये आपके सामने प्रॉपर नाउन लिखी। क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि आपने राम का राम्स देखा हो, कि राम एक लड़का हो गया, ज्यादा राम है तो राम्स बोल दो, नहीं ना। क्या ज्यादा श्याम हो गए तो आप श्याम्स बोल दोगे, नहीं ना। क्या दिल्ली ज्यादा हुई तो क्या आप दिल्लीज बोल दोगे, नहीं ना। क्या अमेरिका ज्यादा हुए तो क्या आप अमेरिकाज बोल दोगे, नहीं ना। यानी प्रॉपर नाउन में आप एस जोड़ नहीं सकते, इस एस को जोड़ना अलाउड नहीं है। यानी यहां से पॉइंट क्या निकल के आया, हम बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट एड एस विद प्रॉपर नाउन, कि हम एस को प्रॉपर नाउन के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो यहां से आपने प्रॉपर नाउन के बारे में क्या देखा कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होंगी, राम एक ही रहेगा, राम्स नहीं बना सकते, एस ऐड नहीं कर सकते, श्याम सिंगुलर रहेगा, डेरी सिंगुलर रहेगी, अमेरिका सिंगुलर रहेगी। और अगर ये सिंगुलर होंगे तो इनके साथ वर्ब भी आप कैसी लगा सकते हो, सिंगुलर वर्ब लगा सकते हो। अब समझिए मैंने आपको यहां तक क्या बताया, एक बार क्विक रिवीजन कीजिए कि नाउन, नाउन का पहला टाइप लिया प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। होती क्या है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का पर्टिकुलर नेम होता है प्रॉपर नाउन, है ना। ऑलवेज शुड बी इन अपर केस, हमेशा अपर केस यानी कैपिटल लेटर में रहता है। जैसे देखो आप, राम का आर कैपिटल, श्याम का एस कैपिटल, दिल्ली का डी कैपिटल, अमेरिका का ए कैपिटल, तो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगी प्रॉपर नाउन। और तीसरा, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहती है, यानी राम्स नहीं कर सकते, श्याम्स नहीं कर सकते, डेलीज नहीं कर सकते, अमेरिकाज नहीं कर सकते, यानी वी कैन नॉट एड एस विद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ एस आप एड नहीं कर सकते। देखिए हमने इससे पहले अभी डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन, तो वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी मैं बात करता हूं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। समझिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखो प्रॉपर नाउन वो नाउन होती है जो एक नाउन एक को डिनोट करे, और कॉमन नाउन वो नाउन है जो एक नाउन हजारों को डिनोट करे, हजारों को, लाखों को, है ना, डिनोट करे। जैसे मैंने बोला बॉय, तो क्या इस बॉय में कोई एक ही लड़का आएगा, नहीं ना, इस बॉय में दुनिया के सारे लड़के आ जाएंगे, है ना। दूसरी चीज, मैंने लिखा गर्ल, क्या इस लड़की, गर्ल में एक ही लड़की आएगी, नहीं, इस दुनिया की सभी गर्ल्स आ जाएंगी। मैंने लिखा फ्रेंड, इस दुनिया का एक फ्रेंड होगा या दुनिया के सारे, यानी ये वर्ड ऐसी नाउन है जो हजारों को डिनोट करती है, एक के बारे में नहीं बताती। अगर एक के बारे में बताती, जैसे बॉय का मैं पर्टिकुलर नाम ले दूं पवन, तो ये जो पर्टिकुलर नेम लिया है मैंने, ये एक के बारे में बता रहा है। गर्ल का मैंने पर्टिकुलर नाम ले दिया राधा, तो ये पर्टिकुलर एक के बारे में बता रहा है। फ्रेंड का मैंने नाम ले दिया पर्टिकुलर अरविंद, तो ये एक के बारे में बता रहा है, ये एक के बारे में। लेकिन अपन यहां बात एक की नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं बॉय, गर्ल, फ्रेंड, ये कॉमनली सभी के बारे में बता रहे हैं। तो कॉमन नाउन क्या होती है, इसको अपन बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन इज कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए कॉमन हो, क्या हो, कॉमन। जैसे मैंने बोला डॉग, तो डॉग इस दुनिया के सारे कुत्ते आ जाएंगे दौड़ते हुए भागते हुए, ना, सारे कुत्ते अपने दरवाजे आएंगे डॉग। लेकिन अगर डॉग का मैंने पर्टिकुलर नेम बोल दिया कुछ भी, है ना, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब इनके बारे में समझिए,
आप कॉमन नाउन में एस जोड़ सकते हो, जरा जोड़ के देखो, बॉय का बॉयज बन जाता है, लड़का लड़के, गर्ल का गर्ल्स बन जाता है, लड़की लड़कियां, फ्रेंड माने दोस्त, अब दोस्त ज्यादा है तो अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स, डॉग माने कुत्ता, अगर कुत्ते ज्यादा है तो क्या बोल सकते हैं, डॉग्स। यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि हम कॉमन नाउन में एस जोड़ सकते हैं, यानी कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, और कॉमन नाउन सिंगुलर भी होती है, कॉमन नाउन प्लूरल भी होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी होती है और इनका प्लूरल भी बन जाता है। एक एग्जांपल लिख लेना आप यहां, जैसे मैंने बोला पेन। अब पेन क्या है, क्या पर्टिकुलर कोई एक पेन है या दुनिया की सारी पेन आ गई, सारी पेन आ गई तो कॉमन नाउन हो गया। अब पेन का प्लूरल बन जाता है क्या, हाँ बन जाता है, पेन्स। इसका मतलब पेन एक कॉमन नाउन है और इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन जाता है। एक और चीज ध्यान रखें, जैसा हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि उसका पहला लेटर, फर्स्ट इनिशियल लेटर कैपिटल होना चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप बॉय को अगर आए बीच में तो ये भी लिख सकते हो, अगर गर्ल सेंटेंस के बीच में कहीं आ रही है तो आप गर्ल का जी स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन आती है तो उसका इनिशियल लेटर हमेशा कैसा रहता है, कैपिटल लेटर में रहता है। तो कॉमन नाउन के बारे में समझ आई, कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए कॉमन हो, लाइक बॉय, गर्ल, फ्रेंड, डॉग, ये दुनिया में सभी के लिए डिनोट कर रहा है, एक के लिए नहीं। एक के लिए होता तो वो प्रॉपर नाउन होता है ना, इसमें एस जुड़ जाता है, यानी ये सिंगुलर और ये प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है कि इनका फर्स्ट लेटर आप हमेशा बीच में आए तब भी कैपिटल बनाए, नहीं, इनको स्मॉल बनाएंगे। कैपिटल ये तब बन सकते हैं जब सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में आ रहे हो। तो आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आई होगी। इसके बाद कल मैं आपकी मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन लेके आऊंगा अगली वीडियो में। अगर आपको ये समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करेंगे मेरा वॉच टाइम बढ़ाने में, तो मैं भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आऊंगा। धन्यवाद।